हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोगों के भी इंस्टाग्राम अकाउंट पे रिपोर्ट की प्रॉब्लम आ गई है, आप लोगों के इंस्टाग्राम पे किसी ने रिपोर्ट कर दिया है तो और आप लोगों का इंस्टाग्राम आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, आप लोगों का अकाउंट यहाँ पे रिमूव हो चुका है पूरी तरीके से, उस केस में आप लोग क्या करोगे, कैसे अपने अकाउंट को आप लोग दोबारा से ला सकते हो, वो इस वीडियो में पूरी मैं आप लोगों को बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में आप लोग बने रहें, आप लोगों को पता चलने वाला है आप लोग अपनी रिपोर्ट कैसे हटाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे जैसे दोस्तों रील्स देख रहे हो, ये दोस्तों आप लोग किसी की भी रील्स देख रहे हो और आप लोग चाहते हो दोस्तों ये रील्स में आप लोगों को कुछ ऐसा लगा जो आप लोगों को यहाँ पे कुछ अलग तरीके से, मतलब दोस्तों वो आप लोगों को गलत लगा है कि इसमें सुसाइड है या कुछ भी है, इसमें मिसहैपनिंग कोई ना कोई हो रही है, इस केस में क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जैसे दोस्तों मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पे थ्री डॉट पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ से रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट में दोस्तों आप लोगों को जैसे आप लोग यहाँ से रिपोर्ट किसी भी ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत बार क्या होता है, कोई भी दोस्तों आप लोगों के भी अकाउंट पे ऐसे ही रिपोर्ट कर देता है, आप लोगों की जो प्रोफाइल या वीडियो है वो आप लोग सही बनाते हो लेकिन फिर भी कोई ऐसे ही आप लोगों के अकाउंट पे रिपोर्ट कर देता है, तो उस केस में आप लोगों के साथ क्या होता है, आप लोगों का जो अकाउंट है वो ब्लॉक होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों उस केस में आप लोगों का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का क्या है, आप लोग सबसे पहले जब आप लोगों की रिपोर्ट होती है आप लोगों के अकाउंट पे, तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, आप लोगों का अकाउंट इंस्टाग्राम पूरी तरीके से चेक करता है जिसने आप लोगों के अकाउंट पे रिपोर्ट की है, जिस पोस्ट पे रिपोर्ट की है वो पोस्ट भी वहाँ पे देखी जाती है। देखने के बाद दोस्तों आप लोगों की जो रिपोर्ट है, अगर आप लोगों की वैसी वीडियो है जिसके कारण उसने आप लोगों की वीडियो या आप लोगों की पोस्ट या आप लोगों की प्रोफाइल पे रिपोर्ट की है, जैसे आप लोगों की फेक प्रोफाइल है, तो इस केस में आप लोगों का जो अकाउंट है ये इंस्टाग्राम का ये डिलीट हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों का जेन्युइन कंटेंट है, आप लोग प्रॉपर डाल रहे हो, उसमें कुछ ऐसा कुछ मिसहैपनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोग जेन्युइन जैसे फ़ोटो वगैरह आप लोग यहाँ पे अपलोड करते हो और आप लोग यहाँ पे ऐसी फ़ोटो वोटो अपलोड करते हो, तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप लोगों की जो अकाउंट है उस पर रिपोर्ट हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा, तो आप लोगों के अकाउंट पर जब रिपोर्ट हो जाए तो आप लोगों को क्या करना है। अगर आप लोगों के अकाउंट पे रिपोर्ट हो जाए तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, वो आप लोगों को दोस्तों मैं सेकंड स्टेप में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो सेकंड पार्ट जो मैं इसका लेके आऊंगा सेकंड पार्ट, उसमें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा कि आप लोग अपनी रिपोर्ट किया हुआ अकाउंट कैसे वापस ला सकते हो, वो भी आप लोग कुछ ही टाइम के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में भी इतना ही। अगर आप लोगों को दोस्तों सेकंड स्टेप देखना रिपोर्ट का कि अपनी वीडियो आप लोग अपने अकाउंट को आप लोग कैसे दोबारा ला सकते हो अपनी रिपोर्ट की हुई अकाउंट को, तो दोस्तों आप लोग सेकंड पार्ट जरूर देखना, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है सेकंड पार्ट देखने के बाद, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का अगर अकाउंट कोई भी आप लोगों के अकाउंट पर रिपोर्ट होगी तो वो हट जाएगी और आप लोगों का अकाउंट आप लोगों को वैसे ही मिल जाएगा।